भाई मान गए अक्षरा सिंह को नारी शक्ति का अंदाजा तो अब आप सभी को लग गया होगा। पवन सिंह के साथ इतनी बड़ी लड़ाई के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में टिके रहना ही बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन अक्षरा तो टिकी भी है और धड़ाधड़ फिल्मों को साइन भी करती जा रही हैं। यहाँ तक कि वो बड़े से बड़ा स्टेज शो भी कर रही हैं। और सबसे प्लस पॉइंट ये कि अपने फैंस के नजर में अक्षरा सिंह का ओहदा और भी ऊंचा हो गया है। जी हाँ, जिस तरह से पवन सिंह ने ज्योति सिंह से शादी करने के बाद अक्षरा सिंह को धोखा दिया है, उससे अक्षरा सिंह की फैन फॉलोइंग दिन दूनी और रात चौगनी बढ़ रही है। और हम दुआ करेंगे कि उनकी ये फैन फॉलोइंग बढ़ती रहे। भोजपुरी की सबसे कम उम्र वाली हीरोइन का दमखम सबसे बड़ा है। जी हाँ, अब हम अपने असल मुद्दे पे जो आ रहे हैं। अब अक्षरा सिंह को भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह के सहारे की 1% भी जरूरत नहीं है। कल को जहाँ अक्षरा सिंह पे ये तोहमत लगती थी कि पवन सिंह की वजह से ही अक्षरा सिंह के फिल्मी करियर की नैया पार हो रही है, अब ये तोहमत भी उनसे धुल गई है जब से उनका कावर एल्बम हिट हुआ है। जी हाँ, आप मिला लीजिए पवन सिंह के कावर एल्बम के व्यूज और आप फिर से मिला लीजिए खेसारी लाल यादव के कावर गीतों के व्यूज। आपको दोनों भोजपुरिया सुपरस्टार से कहीं ज्यादा व्यूज अक्षरा सिंह के आए सावन एल्बम में मिलेंगे। जी हाँ, अक्षरा सिंह के जो सावन के एल्बम आए हैं उन्हें दर्शकों से बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। वहीं पवन और खेसारी के एल्बम भी अच्छे चल रहे हैं, ये बात नहीं है, लेकिन उतने नहीं जितने अक्षरा सिंह के चल रहे हैं। वैसे मान गए अक्षरा जी, आपने भोजपुरिया इंडस्ट्री में गाना शुरू किया पवन सिंह के साथ। यहाँ तक कि आपने कई दफा कहा है कि पवन सिंह ने आपको संगीत के कई गुर सिखाए, वो कई मायने में आपके गुरु समान हैं, लेकिन आज ये मौका आ चुका है कि जहां आप अपने गुरु से आगे निकल चुकी हैं, इसके लिए तो आपको ढेर सारी बधाइयां। और साथ ही हम अपने दर्शकों को कुछ और बताना चाहते हैं, आपको ये बताना चाहते हैं कि पवन सिंह के साथ भले ही अक्षरा सिंह फिल्मों में काम नहीं कर रही हैं या आगे करेंगी या नहीं करेंगी ये तो उनका डिसीजन होगा, लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त जो इनके रिश्ते चल रहे हैं उसके बावजूद भी अक्षरा सिंह धड़ाधड़ फिल्में साइन करते जा रही हैं। रितेश पांडे के साथ तो उनकी दो फिल्में आएंगी जिसमें से पहली है राजू राजकुमार और दूसरी का मुहूर्त अभी हाल ही में हुआ। तीसरी फिल्म उनकी खेसारी लाल यादव के साथ आनी है बबुआ बवाली, जिसकी शूटिंग जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी और जिसका इंतजार खेसारी लाल यादव के फैंस और अक्षरा सिंह के फैंस दोनों कर रहे होंगे, क्योंकि इन दोनों की जोड़ी तकरीबन 1-1.5 साल बाद एक साथ फिल्मी पर्दे पर आए। ये रहा हमारा आज का वीडियो, हमें यकीन है आपको ये पसंद आया होगा। जाते जाते एक सूचना आपको देते जाते हैं कि बॉलीवुड से रिलेटेड हमारा नया चैनल आया है SK News, प्लीज आप इसे भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और बॉलीवुड की चटपटी और मसालेदार गॉसिप यहाँ भी पाई, हमारे चैनल का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, सो प्लीज जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।